एचआईवी एड्स जागरूकता कार्यशाला का किया गया आयोजन। नेशनल एड्स कंट्रोल के साथ एक और उनका स्वास्थ्य विभाग के बैनर के तले हिमाचल प्रदेश एड्स सोसाइटी काम कर रही है और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देशों के तहत हम काम कर रहे हैं और हमारा ये ध्येय है कि एचआईवी के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं। एचआईवी कैसे फैलता है और इससे हमें कैसे बचना है। जो अभी के हमारे केसेस आ रहे हैं उसमें हमने देखा है कि जो युवा लोग हैं वो इससे ज़्यादा ग्रसित हैं और ख़ास करके कौन ग्रसित है, जो नशा सुई के माध्यम से सिरिंज के माध्यम से युवा लोग कर रहे हैं वो ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। तो इसमें दो तरह का नुकसान हो रहा है, एक तो वो नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और दूसरा जो है वो एचआईवी से ग्रसित हो रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस एक साल से यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं उनको एचआईवी का अवेयरनेस करें और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में उनको बताएं। इस कड़ी में हमने अभी हाल में ही 2 महीने का एक अभियान चलाया, जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें हमने लाखों लोगों को खास करके युवाओं को जागरूक किया कि एचआईवी से हमें दूर रहना है और अपने प्रदेश को एचआईवी से मुक्त करना है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसमें मेन उद्देश्य यही है कि जितनी हम जागरूकता कर पाएंगे उतने हम लोगों तक पहुंच पाएंगे और दूसरा उद्देश्य यह है कि हम एचआईवी के बारे में खुल के बात करें, इसको एक टैबू ना माने, एक स्टिग्मा ना रखें, ताकि हर एक बच्चे को पता हो, हर एक युवा को पता हो, हर एक गाँव में रह रहे व्यक्ति को, शहर में रह रहे व्यक्ति को पता हो कि एचआईवी क्या है। तो हम डिफरेंट माध्यम है, हम एचआरटीसी की बसेस के माध्यम से हम पैम्फलेट बांट रहे हैं, हम मीडिया आप लोगों के माध्यम से जागरूकता फैला रहे हैं। हमने एक आईसी वैन जो हमारे प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे एचआईवी के ज़्यादा केसेस हैं, हमने मीडिया वैन वहां पूरे पंचायतों में घुमाई, गांव-गांव तक हमने पैम्फलेट बांटे और गांव-गांव तक मीडिया वैन जो है वो वहां पे गई और जागरूकता की और लगभग 6 लाख लोगों तक हमने 2 महीने में पहुँचने का प्रयास किया है। और आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि एचआईवी के बारे में आप जागरूकता समय समय पर फैलाते रहें ताकि हम और हमारे युवा जो हैं इस प्रदेश के वो इससे बचे रहें, युवा भी और बाकी सभी व्यक्ति भी बचे रहें। तो पिछले वर्ष के मुकाबले में इस बार मेरे को लगभग 50 केसेस जो हैं वो ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा। सितंबर तक 404 केसेस जो हैं वो हमारे डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो उनकी है जो सिरिंजेस के माध्यम से नशा ले रहे हैं। तो क्योंकि हमें जो पहचान है वो गोपनीय रखनी पड़ती है, तो जो इस तरह के लोग हैं उनको हम OST के ऊपर डाल रहे हैं, उनको जो है वो जो हमारे अभी जो इस तरह के नशा निवारण केंद्र हैं जो 2 हैं प्रदेश में सरकार जो सोसाइटी की तरफ से चल रहे हैं, एक ऊना में है और एक नूरपुर में है, तो उसके साथ उनको हम लिंक कर रहे हैं। तो दोनों तरह की दवाई देते हैं, जो एचआईवी के वायरल लोड को कम करने की भी और नशा छुड़ाने की भी। अपने 5,870 मामले जो हैं वो जो एचआईवी के हैं और उनको हमने दवाई पे जोड़ा हुआ है और वो सभी के जो सब हैं वो हेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। ये जो सिरिंज के माध्यम से जो नशा करने के बाद एचआईवी पॉजिटिविटी वाला जो मामले आ रहे हैं उसके लिए उसको एक तो जो मामले आ रहे हैं वो उनको हम मैंने अभी बताया कि OST के माध्यम से दवाई दे करके नशे को छुड़ाना और HIV जो ART है उससे लिंक करके उनका वायरल लोड हम कम कर रहे हैं, उनको हम टैकल कर रहे हैं। जो हमारे पॉजिटिव स्पीकर हैं, हमारे जो भाई बहनें ऐसे भी हैं जो PL HIV हैं लेकिन वो आगे खुल के बात करते हैं कि वो जाने अनजाने में किस तरह से HIV से ग्रस्त हो गए, उनके माध्यम से हम युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि हमें नशे से बचना है, किसी भी तरह के नशे से बचना है और ख़ास करके सिरिंज के माध्यम से जो नशा हो रहा है उस पर हमने प्रहार करना है और उससे हमने बचना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।